हेलो बच्चों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द न्यू चैप्टर्स दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 2 to 3 क्वेश्चंस आस्क इन द नीट एग्जामिनेशन एंड 1 क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, सबसे पहले हम सब बात करेंगे बच्चे इसमें एससीपी की. ओके, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन की बात करेंगे बच्चा. यू नो दैट द प्रोटीन इज द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड. तो जैसे जैसे बच्चा हम मीट की तरफ कर रहे हैं, ग्रेन से मीट की तरफ खाने वाले लोगों का संख्या बढ़ रहा है, तो डाइट में प्रोटीन जो हमें मीट से मिलता है बच्चा, उसके कारण ग्रेन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है बच्चा, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है. तो शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट विल रिजल्ट इन टू मोर कंजप्शन ऑफ ग्रेन. ठीक है, बिकॉज टू प्रोड्यूस 1 kg मीट इन फार्मिंग एनिमल्स इट विल यूज 3 to 10 kg ग्रेन्स. मीन्स एक अगर गोट की बात करें बच्चा, वो 2 से 3, 10 kg खाता है तो उसका 1 kg वेट बढ़ता है. यू नो द इकोसिस्टम अबाउट दैट, हाउ डज एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. ओके बच्चे, तो ये सब बात करेंगे हम सब. तो प्रोटीन की जो डाइट है, ये जो इसका सोर्स है, सिंगल सेल प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सोर्स बच्चा, जो रिसेंटली ये आया है बच्चा, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्पिरुलिना. ठीक है, स्पिरुलिना बच्चा, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन स्पिरुलिना जो है, यू कैन ग्रो एट एनी वेस्ट मटेरियल और वेस्ट, अगर कहीं सॉइल है, अगर कहीं पर ज्यादा गंदगी है, उस जगह पे भी ये इजीली उगता है और काफी तेजी से उगता है बच्चा. ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं बच्चे, दीज आर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, ये क्या होते हैं बच्चा, हाई क्वालिटी प्रोटीन. ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स. ठीक है, माइक्रोब्स ऑब्टेन करते हैं बच्चा. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है हमारा स्पिरुलिना. ठीक है, स्पिरुलिना सब पर बात करेंगे. अगर सेकेंड बात करें बच्चा, तो एक ये स्पिरुलिना के बारे में बात करें, तो ये ग्रीन एल्गी है बच्चा. ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एल्गी आपको पता है प्लांटी से बिलोंग करते हैं, तो ग्रीन एल्गी. सेकेंड अगर बैक्टीरिया की बात करें बच्चा, कौन सा बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो मिथाइलोट्रॉपस. ओके बच्चा, मिथाइलोफेलस मिथाइलोट्रॉपस, तो पूरा नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. मिथाइलोट्रॉपस. ये है बच्चा आपका बैक्टीरिया जो प्रोटीन का सोर्स है. सेकेंड अगर बात करें, तो एक कैंडिडा है बच्चा, कैंडिडा यूटिलाइटिस. ओके, कैंडिडा यूटिलाइटिस इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. फोर्थ अगर बात करें, तो एक और फंजाई है बच्चा, फ्यूजेरियम. ठीक है, फ्यूजेरियम से भी हम सब ऑब्टेन करते हैं फ्यूजेरियम. ठीक है, फ्यूजेरियम बस इतना याद रखना है. तो अगर हम बात करें बच्चा स्पिरुलिना, इसके विषय में क्या क्या लिखी हुई है. ठीक है, आपको पीडीएफ सेक्शन में जो नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड फॉलो ऑल द लाइंस विच आई से. ओके, तो स्पिरुलिना कैन बी ग्रोन ओवर द वेस्ट वाटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स. ठीक है, इट्स कैन, तो स्पिरुलिना के बारे में स्पेशल बात याद करें, तो स्पिरुलिना कैन बी ग्रोन एट वेस्ट एरिया और वेस्ट वाटर्स पर भी ग्रो कर सकता है बच्चा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. और प्रोसेसिंग वाटर, जैसे कि पोटेटो की खेती हुई है और पोटेटो सर गए, तो वहां पे भी ये इजिली बच्चा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, यील्ड किया जा सकता है. ओके, स्पिरुलिना इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा. मतलब स्पिरुलिना में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें अदर चीज नहीं होता. ठीक है, स्पिरुलिना कंटेन्स प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, ऑल कॉम्पोनेंट्स. ओके, मोस्टली ऑल कॉम्पोनेंट्स, तो अच्छी बात है. स्पिरुलिना क्या है बच्चा, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है. तो ये हमारी बात है सिंगल सेल्स प्रोटीन के विषय में. कुछ स्पेशल बात करें बच्चा, जो एनसीईआरटी की लाइन करती है. ठीक है, इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम सब बात करेंगे. ठीक है, तो हम सब बात करते हैं बच्चा. नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया बच्चा, 250 केजी की एक गाय है, मान लो 1 cow.
ये 24 आवर में, मींस वन डे में बच्चा 200 ग्राम प्रोटीन देती है मैक्सिमम, 200 ग्राम प्रोटीन इन वन डे, ओके। बट अगर हम बात करें बच्चा, एक लाइन है जो आपके बुक में लिखी हुई है, अगर मैं जो हमने अभी बैक्टीरिया पढ़ा था बच्चा, 250 ग्राम मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोपस, अगर हम इस बैक्टीरिया का 250 ग्राम ले बच्चा, तो ये 24 आवर्स में कितने टन, 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। देखो कितना ज्यादा है बच्चा, 25 टन्स, सोचो कितनी इसकी ग्रोथ रेट होगी, 25 टन्स प्रोटीन इन 24 आवर। ये डेटा है, आपको याद रखना बच्चा, 24 आवर्स, ठीक है, मीन्स वन डे, ओके, वन डे। ये हो गया आपका सिंगल सेल्स प्रोटीन के बारे में। उसके बाद हमने ग्रेन्स के बारे में बात किया था, मीट के बारे में, उस पर भी बात कर लेते हैं बच्चा। तो जो एक कन्वर्जन हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन हो रहे हैं बच्चे, तो ग्रेन्स की मात्रा पर काफी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एक लाइन है, शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट डाइट, शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट विल रिजल्ट इन टू मोर कंजम्पशन, विल रिजल्ट into more consumption, into more consumption of grains, since 3 to 10 kg grain can produce only 1 kg meat, okay? तो लोग अगर 1 kg मीट खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो कितने केजी ग्रेन को एक्ज्यूट कर रहे हैं बच्चा, 3 to 10 kg। ये ट्रॉपिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है हायर ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जाते हैं तो एनर्जी कम होते चले जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल सेल्स प्रोटीन्स के विषय में, ठीक है। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे बच्चा बायोगैस, ओके, बायोगैस का फॉर्मेशन, बायोगैस का कंटेंट, कंपोजिशन कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज बायोगैस। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा, ओके, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यूट्यूब लिंक के, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा, यू हैव टू फॉलो द पीडीएफ, ओके, फॉर योर बेस्ट रिजल्ट, ओके। बात करते हैं बच्चा, ठीक है, बायोगैस, इंपॉर्टेंट बायोगैस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, बायोगैस क्या है, नहीं है तो आपको पता है, बायोगैस गोबर गैस भी कहते हैं बच्चा, गोबर से बनाते हैं। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉ डंग, ओके। बर्नर एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस इज हायर इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ बर्निंग कॉ डंग, जो हम गोइठा बोलते हैं बच्चा हिंदी में, दैट्स कॉ डंग। तो कॉ डंग जो हम जलाते हैं बच्चा, उसकी बर्निंग एफिशिएंसी नहीं होती, बट बायोगैस की उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बर्निंग कैपेसिटी होती है बच्चा, ठीक है। तो हम ये बात लिखते हैं, द बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉ डंग, डंग से बनाते हैं बच्चा, जरूरी नहीं है कॉ बफेलो भी हो सकता है। सेकेंड की बात करें बच्चा, तो इट्स बर्नर एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस इज मच 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 मोर देन कॉ डंग, ठीक है, जो गोइठा बनाते हैं बच्चा, इसकी बर्निंग कैपेसिटी सूखा के ड्राई जो बनाते हैं बच्चा। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चा, कंपोजिशन, तो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस किस चीज से बना होता है, यू नो दैट मीथेन CH4 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, ओके। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो लिखते हैं बच्चा 60 to 70% क्या होता है, मीथेन, 60 to 70% क्या होता है, मीथेन, ओके। अगर बात करें 30 to 40% क्या होता है, CO2, 30 to 40% होता है बच्चा CO2, ओके, 30 to 40% CO2, रेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, रॉटन एग स्मेल, नाइट्रोजन अदर, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट में अगर बात करें बच्चा, तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा, ठीक है, रॉटन स्मेल होता है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन हुआ। तो बच्चे तीन चरण में बायोगैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। चलो
देखो द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज टेकन इन थ्री स्टेप्स, ठीक है इसको रफ करते हैं। ओके बच्चे जस्ट चिल। ओके नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स। ओके हम स्टेप्स के नाम लिखेंगे, इन थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है बच्चा कि जो हमारा कॉर्ड डंग है वो उसके सारे यूनिट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है बच्चा, मोनोमर। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर से मोनोमर बनना जरूरी है बच्चा, तभी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उसकी एनर्जी हम एक एक चीजों की एनर्जी एफिशिएंटली हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो उसमें जो कंपोनेंट होता है बच्चा, एक कंपोनेंट होता है बायोगैस मतलब कॉर्डंग में लिग्निन, जो कभी डिग्रेड नहीं हो पाता है। तो याद रखना लिग्निन रिमेन अनअफेक्टेड, ऑल अदर सब्सटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स, ठीक है। इसके अंदर ये लिख लेना लिग्निन अनअफेक्टेड, रेस्ट ऑल कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, ठीक है। मोनोमर आपको पता है ना, मोनोमर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर जोड़ के क्या बनाता है बच्चा, पॉलीमर। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू बच्चा ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। तो सेकंड स्टेप में होता है बच्चा कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। ओके एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके एसिटिक एसिड। एंड और ये कौन करता है बच्चा, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया परफॉर्म दिस एक्शन। और हमें पता है, हम सब पढ़ेंगे कौन कौन किस तरह की एसिड प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, ठीक है। ये कौन करते हैं बच्चा, फैकल्टेटिव एनारोब्स ओके फैकल्टेटिव एनारोब्स परफॉर्म दिस फंक्शन ये करता है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, दैट्स द थर्ड स्टेप। अब जो ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड इनटू मीथेन एंड CO2 होता है, ब्रेकेज होता है बच्चा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में होता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड इनटू CH4 मीथेन एंड CO2, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ बायोगैस है, थ्री स्टेप्स में होता है बच्चा, ठीक है। आपको पता है खादी इंस्टीट्यूट ने हमें इसको कैसे बनाया, ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है बच्चा। अब इससे रिलेटेड क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज इज वेरी स्लो प्रोसेस, सो दिस स्टेप इज रेट लिमिटिंग इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो वो याद रखना सेलुलोज डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसलिए लिखो इस बात को, ये पॉइंट लिख लेना बच्चा, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज इज स्लो स्टेप्स। आप केमिकल काइनेटिक्स में ये बात करोगे, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज इज स्लो स्टेप्स रिएक्शन, सो इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ओके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ओके बच्चे, या रेट लिमिटिंग भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ओके तो और सब बातें करते हैं बायोगैस के बारे में, आपका डायग्राम दिया है बच्चा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। PDF इज इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ओके डिस्क्रिप्शन पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके इजी लैंग्वेज है उसमें सब चीज। यू हैव ऑल्सो फॉलो द NCERT, ओके विदाउट NCERT यू कांट डू एनीथिंग, ओके क्वेश्चन इज टोटली आस्क फ्रॉम द NCERT 99%, ओके बच्चे। नेक्स्ट इज मिथेनो बैक्टीरिया आर मेन बैक्टीरिया विच आर प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस, तो ये तो आपको पता है मिथेनो बैक्टीरिया, आपने आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा होगा, मिथेनो बैक्टीरिया मिथेनोजेंस का नाम सुना होगा, मिथेनो बैक्टीरिया आर चीफ वर्कर इन मेकिंग ऑफ बायोगैस में इसका चीफ रोल है बच्चा, मिथेन बैक्टीरिया मिथेनोजेंस भी कहते हैं उसको, क्योंकि मिथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है मेनली
मीथेन में जल्द से काफी अच्छा ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज 23 to 28 ठीक है मिली जूल्स पर मिनट ठीक है मीटर क्यूब ओके 23 to 28 ठीक है मिली जूल पर सेंटीमीटर क्यूब सॉरी पर मीटर क्यूब ओके दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू डोंट आस्क कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है कैलोरीफिक वैल्यू 23 to 28 ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चा आपकी आपको पता है डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में ठीक है यू हैव टू फॉलो योर डायग्राम ठीक है। अगर बात करें बच्चा तो द टेक्निक फॉर बायोगैस प्रोडक्शन वॉज गिवन बाय KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन प्लस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है। तो हमें पता है द बायोगैस टेक्निक इंडिया में इसका ज़्यादा प्रचलन है बच्चा टेक्निक किसने दिया था बायोगैस टेक्निक वॉज गिवन बाय KVIC इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओके। एक तो खादी विलेज ठीक है खादी विलेज बच्चा दैट इज इंडस्ट्रियल कमीशन खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ये आपको याद रखना होगा इंडस्ट्रियल कमीशन एंड नेक्स्ट वन इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों ने मिलके इसका टेक्निक दिया है बच्चा ठीक है। फिर एक डायग्राम है ठीक है देखते हैं डायग्राम को हम सब ठीक है। डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है बच्चा ठीक है। तो आपको पता है इसमें एक डाइजेस्टर होता है बच्चा एक गैस होल्डर होता है एक गैस का प्रिपरेटरी होता है डंग वाटर होता है एक तरफ से डंग हम घोल करके उसको डालते हैं बच्चा ये इस तरह से आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है मैं बुक से कॉपी कर रहा हूँ ठीक है। यू हैव टू फॉलो द एक बार डायग्राम आप देख लो ठीक है। इस तरह से यहाँ मिक्सिंग होती है ठीक है बच्चे दैट्स अ डाइजेस्टर इसको डाइजेस्टर भी कहते हैं ठीक है डाइजेस्टर ये है बच्चा आपका होल्डर दैट्स इज डंग वाटर यहाँ डंग प्लस वाटर ठीक है डंग प्लस वाटर मिक्स करते हैं बच्चे ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ से आप गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो यहाँ पर मिक्सिंग होता है ठीक है यहाँ से गैस रिलीज होकर के इस तरह से गैस बाहर आती है ठीक है बच्चा। और एक आपको स्लज होगा ठीक है जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वहाँ जा करके वो जमा होते हैं ठीक है यहाँ एक स्लज बना दो जो खराब हो गया जिसका यूज हो गया जिससे गैस बन चुका है वो इधर आते चला जाएगा बच्चा ठीक है। तो कौन कौन गैस रिलीज होगी CH4+CO2 मिली और ये इधर से रिलीज होकर ये आपका एक डायग्राम है आप देख लेना बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं बस टेक्निक का नाम याद रखना किसने दिया था दैट्स खादी विलेज इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम सब पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर ओके थैंक यू।